नमस्कार, मैं दानी संसार और आप देख रहे हैं पीआरवी। इस वक्त छपरौली विधानसभा में मौजूद है। लगातार पीआरवी उत्तर प्रदेश के तमाम विधानसभा में जा रहा है और जो जमीनी हकीकत है वो आपको दिखाने का काम कर रहा है। तमाम युवा और बुजुर्ग हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। बारी बारी सबसे जानेंगे कि आखिर छपरौली विधानसभा में माहौल क्या है, क्या योगी आदित्यनाथ फिर से वापसी करेंगे या इस बार उनके साथ भी खेला हो जाएगा। क्या कहेंगे, इस बार योगी आदित्यनाथ वापसी कर रहे हैं या बंगाल की तरह खेला हो जाएगा यहाँ भी? नहीं, यहाँ भी जो है खेला ही होगा। यहाँ जो है सब लोक दल और जो है सपा के साथ जुड़े हुए हैं, ही नहीं वोट देंगे। रही लोकतंत्र की सरकार ने, काम तो चलो सभी करें। युवा जो है सब ढाली बैठा दिए, सब फैक्ट्री बना कर, और लोकतंत्र की तो धज्जी उड़ा दिया। ये जब ये अपनी घरवाली के यानी अपनी पत्नी के नहीं हो सके तो मुल्क के लिए वफादार नहीं है। क्या दिक्कत हो गया मोदी जी? सबसे बड़ी, क्योंकि मोदी जी के नाम से ये लोग आए सत्ता में, मोदी जी के नाम से आए और इनके पास में कोई लीडर नहीं था। इन्होंने बहकाने का कार्य किया आम पब्लिक को। हम लोग भी आए बहका में, ऐसी बात नहीं, बहका में आए हैं, लेकिन जो वादे हमें लगता था कि ये वादे पूरे कर देंगे, इन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। 7 महीने हो गए किसान आंदोलन को लेकर, और किसान तो ये चाहता है भाई, ये अगर हमें रोटी की आवश्यकता है, हम तो सूखी खा के भी काम कर लेते हैं, हमें मिठाई की आवश्यकता नहीं। जब हम मिठाई नहीं खा रहे तो हमें क्यों थोप पे जा रहे हैं कि आप मिठाई खाइए, मिठाई से शुगर होता है। पहले से ही पहले तो वोट दिए थे बीजेपी को, फिर क्या दिक्कत आ गई? हमने बीजेपी को दिया ही नहीं, दिया ही नहीं, नहीं। अच्छा, आप इन लोगों से समझदार थे? हाँ, पता था। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हम आप लोगों से समझदार थे, इन्हें पता था, क्या कहेंगे युवा? युवाओं का सबका ये कहना है कि हमारी भूल कमल का फूल। अच्छा, आज के बाद जो पहला हो लिया इसके बाद अब कोई युवा ना सबने कसम खा ली के बिल्कुल भी बीजेपी को वोट नहीं करेगा। मतलब आप मान गए कि ताऊ से आप बुर्बक निकले? नहीं, बिल्कुल, ये तो बात है ही है। अच्छा, हम भी तो ही नहीं गए हैं, तो ये भूल थी आपकी? इस बिल्कुल बार किसके साथ जा रहे हैं? इस बार तो गठबंधन के साथ है, गठबंधन अखिलेश और जयंत चौधरी की ऐसी जबरदस्त जोड़ी है कि अब उत्तर प्रदेश को बता देगी कि कैसे शासन होता है। हम सर्वे तो योगी आदित्यनाथ को नंबर 1 CM बता रहे हैं देश के। नहीं 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 नहीं, ये तो सर्वे, तो सर्वे करने वाले भी आप ही हो। जब हम आपको बता रहे कि बीजेपी बिल्कुल फेल है तो आप क्या सर्वे दोगे बताओ? उन्हें हराने के दोगे या जिताने के दोगे? सर्वे करने वाला तो मीडिया है, मीडिया जो वो मीडिया भी आप सोशल मीडिया तो ठीक कार्य कर रहा है, लेकिन जो मीडिया आज तक ये फलाने डिगड़े मीडिया आए तो उनके बिके हुए हैं। अंबानी अडानी के एजेंट हैं सारे मीडिया वाले, कभी देखा है इनके खिलाफ? जब डिबेट चलती है वहाँ संबित पात्रे बोल लेगा तो आवाज़ पूरी करेंगे, दूसरा कोई बोल लेगा, किसान वाला बोल लेगा वॉल्यूम कम कर दें, वे उसे काट दें, उसे रुकिए वो कर लगे, खुद एंकर खुद उन्हें रोक दे। बिल की बात अगर थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं तो और काम को आप देखिए, क्या वो आपको पसंद नहीं आ रहा? कोई पसंद बन गया आपके? नहीं नहीं, ये मंदिर में, ये तो आस्था की जगह है, कोई बात नहीं, मंदिर तो हर गाँव में है, ये वहाँ यहाँ का किसान वहाँ थोड़ा ही जाएगा, ये हमारी तो आस्था यही मंदिर में पूरी हो जाती। इन लोगों ने हमें बिठाने का कार्य करे, हमें तो मस्जिद से भी कोई आपत्ति नहीं थी। अगर मस्जिद भी बने और वो बने, दोनों बन जाए तो क्या बोल रहे हैं? और ये कह रहे हैं ये कोर्ट में क्यों चले गए? इससे पहले सत्ता में आए अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूर्ण बहुमत में आए, ये क्यों कोर्ट में भेजा इन्होंने? अगर इनके अंदर ये ताकत थी पहले बना देते। ये तो कोर्ट का निर्णय, इनका कोई निर्णय नहीं है, इनका निर्णय नहीं है तो कोर्ट ने किया, सुप्रीम कोर्ट सुपीरियर पावर उसने किया है। ये तो एक बहाना बना रहे, हमें भिड़ाने का कार्य किया और हमें भिड़ा के ये लोग सत्ता में आए। अगर हम समझ जाते तो ये सत्ता में लोग ये ना आते। अब हिंदू मुस्लिम कार्ड यहाँ, अब हिंदू मुस्लिम जो है इनके बहकाए में आने वाला नहीं है। जैसे ओबीसी को लिया है, कह रहे कि हम 100 सीटों पर हम लोग लड़ेंगे, तो केवल वहीं जहाँ मोहम्मदन प्रभावित है, यहाँ का मोहम्मदन समझ चुका है इनको, इनकी चाल समझ चुका है, फंडिंग वहीं से मिल रही है उनको, तो ये समझ गया ये मतदान अब के हम बीजेपी को मतदान नहीं करेंगे। और हमारा जो पहले से चला आया तो डिस्टर्ब हो गया 2013 में, जो इन लोगों ने झगड़ा कराया, हमारी बहुत तगड़ी भूल हुई उसमें कि हम दोनों बिरादरी अलग अलग हो गए। जब हम एक हो जाते हैं, दोनों एक हो जाते हैं, पहले भी आपने सत्ता देखी होगी, जब चोट साहब के टाइम में जब 98 MLA गए तो हमारे इनके पैक्ट से गए, जब हम एक हो जाते हैं, हम जब चाहे जब सरकार को बदल सकते हैं। भाजपा के साथ हैं या आरएलडी गठबंधन के साथ? आरएलडी गठबंधन के साथ। आप भी? हाँ जी, पक्के जी। क्यों साथ क्यों है उनके? अजी, इन्होंने तो किसान और मजदूर बर्बाद कर दिया। आराम है किसान, बिल्कुल ठेठ किसान है, जो अभी नकली वाले तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल असली किसान है जी। और इन्होंने ऐसा काम कर दिया जी, किसान तो बिल्कुल बर्बादी कागार पर ला दिया। तो हम तो जी आरएलडी और सपा के गठबंधन के साथ, मतलब आ रही है सरकार पूरी तरीके से, पूरी पूरी जी। तो भैया इनसे ये तो पूछो कि असली नकली किसान में फर्क क्या है, तो बताएंगे? हमें तो आज तक ये नहीं पता चला कि असली किसान कौन है, नकली किसान कौन है। किसान खेत में काम कर रहा है। अच्छा, ये नकली किसान बैठे वहाँ? हाँ। ये मर गए 500 लोग वहाँ, अगर ये नकली किसान होते तो उठ के ना भाग जाते वहाँ से। बताइए, लेकिन हिंदू हितैषी पार्टी मानी जाती है, हिंदू के लिए किया क्या इन्होंने? 7 साल मोदी जी को हो गए, 5 साल योगी जी को हो गए, एक काम बता दो जो हिंदू के पक्ष में, हम मानने चलो हिंदू ने ना वोट दिया, वोट करा, सपोर्ट करा, सब कुछ किया, एक काम बता दो हिंदू के पक्ष में हुआ हो। इन्होंने हिंदू के पक्ष में एक काम तो करा, हाथरस कांड,
उसके साथ रेप किया हुआ हत्या होगी, वो रात की रात जड़वा दी इन्होंने, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये काम तो किया योगी सरकार ने, वो हिंदू की दलित की तो लड़की थी। गठबंधन हो या आरएलडी इतनी मजबूत है कि वो योगी को रोक पाएगी? रुक रहा, खत्म हो गया, गया बिल्कुल सपाया, बिल्कुल सपाया हो गया। इनका दोहरा मुद्दा क्या है हिंदू मुस्लिम? अब एक बात देख लियो, ये चैनल भी अखबार भी रोज क्या होगा, हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन करा दिया, रोज ये खबर आवेगी। गौ मांस के साथ 20 पकड़े गए, पाकिस्तान ने बम गिरा दिए, ये मुद्दे हैं इनके दोहरा, और कोई मुद्दा नहीं। ये काम नहीं करेगा क्या जो आप कह रहे? नहीं, ये कोई काम नहीं करेगा, लोग जागरूक हो गए, इन्हें सोच के ये आए थे कि कुछ काम करेंगे, लेकिन इन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। किस मुद्दे को लेकर कौन सी पार्टी आएगी और क्या मुद्दा होगा जो आप उसको वोट देंगे इस बार? हम जो महंगाई को कम करेगा, किसानों की बात मानेगा, किसानों में खुशहाली लाओगा, देश में खुशहाली लाओगा, ईमानदारी दिखावेगा, उसे वोट देंगे। योगी गुंजाइश नहीं है ना योगी मोदी के लिए? जो मोदी के लिए हम खड़े हो गए, उसका भाषण सुना कर रहे थे, हम उसकी शिकल देख कर राजी नहीं है। मोदी से तो पहले हमेशा पूजने का काम कर रहे थे, हमेशा डकैत के रूप में मानने हैं हमेशा मोदी जी को, इस 32 की कोई छवि नहीं है। ऐसा क्या हो गया 4 साल 5 साल में कि अचानक आप? कोई काम तो हुआ ही नहीं, हम खाली से गुमराह कर रहे। जिला पंचायत के चुनाव हुए, इनमें देख लो, हंगामारी रपा, जनता पता रपा नोच रहे, टैक्स के द्वारा किसी भी तरीके तक नोच रहे, जनता को नचोड़ रहे, और फिर खरीद फरोख्त करके सत्ता में आना चाह रहे, और इनका दूसरा कोई मकसद ही नहीं है किसी को देश में खुशहाली लाने। कहता विदेश से पैसा ला दूंगा मैं, कोरोना ले आया, पैसा तो लिया नहीं, कोरोना ले आया, डाडी बढ़ा रहा, अपनी कटवा भी ना, कंची भी लगवा रहा। अब हिंदू मुस्लिम की बात आप कह रहे, कालने में चलो मेरे साथ, 2500 मकान मुसलमानों के बन रहे, हिंदू के देख लो कितने बन रहे, सर्वे कर लो आप। हमारे गांव में एक मकान नहीं बना, सर्वे कर लो ना। मतलब प्रधानमंत्री भी नहीं पसंद है आपको योगी? ना ना ना, जड़ू नील नील नील। चलिए आप क्या कहेंगे, किसके साथ जाएंगे इस बार? भाई हम जाएंगे जो किसानों के हित की रख की बात करेगा। अच्छा, हम इन डाकू की गैल बिल्कुल नहीं जाने के, ये है डाकू, खा गए किसानों को पेमेंट, पिछले साल का सारा गन्ना जा लिया, 15 दिन का पेमेंट को लाया, इस अनुभूज योगी मोदी को उनको खर्चा कहाँ था चला हुआ हम घर का, और कहाँ से फीस दे बच्चों की? सम्मान निधि बार बार कहते हैं कि हम दे रहे हैं, हमें नहीं पता सम्मान निधि है या अपमान निधि है, हम निधि किसी की नहीं चाहती, हमें तो सिर्फ अपनी फसल का, अपना पैसा अपने टाइम पे चाहिए, हमें किसी का दान नहीं चाहता। तमाम सर्वे ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नंबर वन है इंडिया के, नंबर वन कागजुमा होंगे, धरातल पर कोई नहीं है, कागजुमा होंगे ये नंबर वन, तभी आगे चले जाओ। अच्छा, हाँ धरातल पर नहीं है। फिर क्या सोचे हैं, मिजाज में क्या है, किसकी सरकार? मिजाज है ये नहीं आएंगे, कोई भी आ जाओ। अच्छा, कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, ये नहीं आएंगे। अच्छा, किसान का जो मुद्दा है कितना अहम रहेगा यहाँ पे, काम करेगा किसान जो? किसान का मुद्दा अहम है यहाँ, ये काम करेगा और इस सरकार के लिए नुकसानदायक भी होगा। योगी आदित्यनाथ को रोकना इतना आसान है? हाँ आसान है, आसान है, हम बनाना भी जाने, गिरना भी जाने। यह सरकार हमें तो धोखा था, यह सरकार जनसंघ की सरकार थी, जनसंघ कह रहे थे पर चौधरी वही सरकार है, या तानाशाही, अंग्रेज भी इससे कुछ अच्छे कुआए गए, अंग्रेज थे कि नहीं, अंग्रेज थे तो बात बुलाए तुम, पिछली बार आप ही वोट दिया इस बार? हाँ यही तो है, धोखे में दे गए। अच्छा। हम आई नहीं थी, जो चीज देखी नहीं वे देखो सब बढ़िया लगे, इब जो हमने बरत ली, अकीन नहीं करे इनका, ये हमारे गैर कुछ वादे करो, हम अकीन नहीं करे। ठीक है, योगी आदित्यनाथ पे भरोसा नहीं, प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है? नहीं, उन पर ही भरोसा, दोनों एक गुरु चेला। तो देश प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में सुरक्षित नहीं है क्या? नहीं, अगर सुरक्षित होता तो एक बात बताओ, पुलवामा में 45 मर गए, कहते हमने तो इतने मरवा दिए आतंकवादी मार के, कहाँ गए वे आतंकवादी? जब ही नहीं, इतना भी नहीं पता कि भाई हमारे पर हमला होने जा रहा है, इनकी एजेंसी क्या कर रही है, उन्हें ध्यान रखना चाहिए ना, देश की रक्षा। ये तो तड़के देश में आकर दूसरा देश आकर हमला करेगा तो ये कह देंगे भाई हमें पता नहीं चला, भाई पता रहना चाहिए ना, ये तो इनके पास तो इतनी बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसी हैं, इन्हें तो पता रखना चाहिए। बदले में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ देश में, राफेल प्रधानमंत्री नहीं, नहीं ये तो तारीफ करेंगे? नहीं नहीं नहीं, तारीफ कैसे करें, ये झूठ बोलने में माहिर है ना। अच्छा। इन्होंने कहा कि हमने 300 आतंकवादी मार दिए। अच्छा। भाई किसने कहाँ मार दिए, कहीं भी नहीं मरे, कहने वे 300 मोबाइल चालू थे, तो झूठ बोलने में इतने माहिर है ये 300 मोबाइल चालू करके और 300 को मेरे भी दिखा दें। क्या कर रहे हैं, कब जब हमारे जवान उससे कहीं ज़्यादा मर जाते हैं, ये कर दें स्ट्राइक कर दें, तो ये इन्हें वातावरण ये पैदा करना चाहिए कि ऐसा ना हो, वो प्यार से करें जैसे भी करें, वो है तो झूठ बोलते हैं, कहीं गोला पटका दे, इलेक्शन पीरियड में करते हैं, अब कहाँ हो रही है, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं, अब भी तो हमारे जवान मर रहे हैं,
बताइए आप जवाब दे, कहीं कर रही है इन लोगों ने। तो ये दुर्भाग्य हमारा, अब की बार हम पूरे संगठित होकर, दो बिरादरी हमारी है, ये संगठित हो गए। और ये हुआ भी है, जब जग मोहम्मदन प्लस जाट पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जब तक इनका संगठन चला, इन्होंने एक तरफा मत दिया तो यहाँ की सरकार सुबह तक उड़ जाती है। हम तो पूरा प्रयास करेंगे। किसान थे और इनका जो समस्या थी, जो चिंता थी, वो तमाम चिंताएं आपके सामने रखी, जिस चक्कर में जो गाजीपुर में किसान डटे हुए हैं, जिनका जो बिल है, जिन्हें वो काला बता रहे हैं, वो वापसी नहीं हुई, उस चक्कर में ये RLD और सपा गठबंधन के साथ जा रहे हैं। तो तमाम जो जमीनी हकीकत इस विधानसभा की थी, हमने आपको दिखाई। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।